पशुओं का जिक्र पशुओं की फिक्र विकास मंच चैनल रोली की तरफ से सारे भाई नाम राम और भाई जिस भाई ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें हर एक अच्छे पशु की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आज पहुंच गए भाई गांव गुमड़ तहसील गन्नौर डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भाई मेरा नाम राशि है भाई अजय पहलवान के पास में और बहुत अच्छा पशुधन तैयार है भाई चाहे भैंस की बात करें या बुल की बात करें विराट बुल है भाई के पास और जिसने बहुत इनाम अपने नाम किए अठारह बार का चैंपियन है भाई विराट बुल उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे हर एक पशु की जानकारी प्राप्त करेंगे भाई अजय पहलवान से अजय भाई राम राम नमस्कार जी और अजय भाई ठीक ठाक बिल्कुल वी और भाई सकरा था आज एक बार और बधाई दे दो सारे भैया ने पशुपालकन मेरी राम राम हरियाणा की तरफ से राम राम पंजाब की तरफ से सत श्री और दिल्ली की तरफ से नमस्कार बहुत-बहुत बढ़िया बहुत भाई जी भाई का बहुत अच्छा अंदाज हर भाई अस्मुख है हमारा भाई अजय अजय भाई अपने पास जो बुल है विराट बुल भाई उसके बारे में दो बात जरूर बताइए विराट बुल मेरा घर का बच्चा है अच्छा जी और मेरे बुल का बच्चा है जो मेरे पास था पहले अच्छा वो मैंने दे दिया था वहाँ पे एच एल डी बी में वहाँ पे इसमें सी आर बी आई में उसका सीमन भी बनवाया गया था अच्छा। और वो दूसरे के नाम से बनवाया गया था जी जी। तो बाकी इस बच्चा मेरा पढ़या और था मैं ब्रीडर था मेरे को ज्ञान नहीं था पहले अच्छा भाई जी। आ, तो बाद में ज्ञान हुआ मैं मेड़ा में जान लग गया जी तो अपना बुल चैंपियन भी बन गया और और क्वालिटी भी देखी और मैंने ब्रीड भी तैयार की है यो जो अपना विराट बुल है जे भाई कैसा लगी उम्र में चैंपियन बना था मतलब पहला जो जर्मनी बन गया था जी ए, उन्ना था जब उन्ना में यो खीरा बोलते हैं आ, उन्ना जर्मनी बन गया था जी तो कौन सी पोजीशन रही थी जर्जर का जो अपना ये ऑल इंडिया का जो मेला लगा था उसमें आ, उसमें जी देखो मैं ज्यादा बात नहीं खोलना चाहता लेकिन सेकंड पोजीशन थी विराट की सेकंड पोजीशन थी हाँ जज्जर मैं उन्ना में, में डॉक्टरों तो बाहर निकालने थे इसको अके बड़े जोटो का कंपटीशन नहीं है अच्छा। ये अ, का का कंपटीशन है मुंह फाड़ के देख लो मन तो पता नहीं था पहली बार गया था तो। मतलब मतलब उम्र के हिसाब यो, यो, यो तो से ही बहुत अच्छा था तो डॉक्टर ने सोची भाई यो इतनी कम उम्र का नहीं हो सकता आ, तो इसलिए आपको बोल दिया कि भाई इसने बार निकालो तब आपने बताई थी अगर आप चेक कर सकते फिर मैंने उनको बोल दिया था कि आप इसको चेक कर सकते हो हम हमारे पशुओं को न्यूट्री डाइट खिलाते हैं, उससे हमारे पशु अच्छा दूध देते हैं आप भी अपने पशुओं को न्यूट्री डाइट खिलाएं और अच्छा दूध जो विराट बुल है कितनी उम्र हो गया अजय भाई आठ साल जी अच्छा जी तेरह मार्च को आठ साल का तो जन्मदिन मनाया करो भाई बिल्कुल जी, केक भी काटा रहे बहुत बढ़िया क्योंकि भाई अपना नाम इसने जहाँ पे भी लेके गए हो जिस कंपटीशन में निराश नहीं होने दिया होगा आपको नहीं बिल्कुल खुश होकर आए हैं जी और हर बार प्राइज लेके घर पे आया है ये ऐसे ही कोई बात नहीं और उस सभी को खुश किया इसने कितने बार का चैंपियन है जय भाई अपना विराट कोहली सत्रह बार चैंपियन है एक बार जी। मैं इसको लगा नहीं पाया था मैं लेट हो गया था अच्छा तो वहाँ पर यह है उस बार भी ये घोषित कर दिया विराट बुल के पीछे और जो भी इसके सीमन से कटड़ी तैयार है उसके जो दूध का रिजल्ट है ना वो भी बहुत ही शानदार रिजल्ट है उसके बारे में भी अजय भाई हरेक जानकारी हमारे को देंगे तो भाई जो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन था जिसमें इन सब तक ज्यादा प्राइज जीतता वो कौन सा कंपटीशन था वो था जी मुक्सर में था पहला तो इसका पंजाब में तो मुक्सर था पहले अच्छा और बाकी सबसे बड़ा तो हैदराबाद में इसने सात लाख रुपए प्राइज जीता था और पचास किलो की गदा आज तक किसी बुल को नहीं मिल चुकी गदा वो इसको मिली है सबसे पहला बुल ये है जिसको गदा मिली है अच्छा सात लाख रुपए जो है इनाम हैदराबाद में हाँ जी कौन सी कैटेगरी में भाई साहब वहाँ पे शो था जी वहाँ पे शेरबाज पंजाब से भी करमबीर सुनारिया वाला भी और सारे तकरीबन जा रहे थे जी अच्छा जी। आ, तो वहाँ पे सबसे बेटर एडल्ट में ये आया था फर्स्ट और इसको ही पाँच लाख का तो एक प्राइज मिला था दो लाख का एक प्राइज मिला था और एक लाख रुपये एक्स्ट्रा और भी मिले थे और खर्चा सब उन्होंने अलग से दिया था वो बिल वगैरह सब कुछ बेटा नहीं मैं तो अपना बिल्कुल छाती का लगा कर पढ़ता हूँ इसको और मेरा सबसे इतना प्यारा है मैं अपने बेटे को भी छोड़ देता हूँ लेकिन इसको दूध जरूर पिलाता कितना दूध पिलाओ भाई साहब जब शुरू में तैयार डाइट प्लान था इसका अपना भाई नहीं जी मैं पूरा अपना डाइट प्लान नहीं बता सकता नहीं। तो कुछ बात वही छुपाने की भी होती हैं बाकी 20 किलो तो डेली मेरा दूध का काम था मैं 20 लीटर दूध इसको डेली पिला देता था अच्छा भाई जी अच्छा ये इसकी जो हाइट लेंथ है हाइट कितनी है अपने बुल की साढ़े पांच फुट प्लस है पाँच फुट प्लस है है है। इसकी भाई और वजन कितना भाई जी? वजन वजन कितना जी जी कोई भी तोल सकता है। अच्छा जी। इतनी डाइट प्लान कैसे करें मैं एक आम आदमी हूँ तो इसलिए मैंने कहा से करू इतना इसी की कमाई से करता था मेलों की कमाई से मेलों में पैसे कमाए जाते थे इसलिए मैं

मैश का कदे कदे बीज वो है, वो है मेरे पास तैयार हैं बाकी सीमन भी तैयार अच्छा भाई है। एक मिनट आपकी बात रोकना चाहूंगा देखियो अपना बुल क्यों कर खड़ा है फोटो खिंचवाण का वीडियो बनाने का बहुत शौक बता रहे हो ये तो पता नहीं पिछले जन्म में कोई हीरो फिल्मी हीरो था या क्या था है? इसको फोटो बनवाने का वीडियो बनवाने बहुत शौक है हाँ, पूरी पोज दे है भाई कैमरा देखते बिल्कुल ही कैमरा देते ही ओरिजिनल पोज देगा तो हुँ? इसका भाई साहब सीमन सीमन बनवाया है हाँ जी सीमन तैयार है 24 घंटे अवेलेबल इसका सीमन जी चौबीस घंटे अवेलेबल है मेरे पास ओरिजिनल मिलेगा हाँ और एक और बात बताना चाहता हूं सबके घर में चंदगी राम है सबकी भैंस बत्तीस पैतीस लीटर निकालती है सबकी बाखड़ी निकालती है सबकी निकालती है। मैं अभी तैयार जिस भाई का दिल करे तोल सकता है अपने पास जो झोटी है उनके जो दूध आप बता रहे थे कितना दूध है भाई उनके नीचे पच्चीस मैं टक्कर मार लाग रही है बाकी अभी हीट में आ चुकी है वे बाकी अजय तो भाई लाइव मिल्किंग करवा हुए तो कितना टाइम और लगेगा ज्यादा मैं ज्यादा टाइम लू नहीं मैं कम से कम भी एक हफ्ते का टाइम लूंगा उसके बाद मैं लाइव मिल्किंग करवाऊंगे तक... मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ काटे के तो दूध ना पाएंगे मैं ऐसे कह रहा हूँ सबको बुलाओ परमात्मा ये दाता इतना दूध है तो सब की खीर भी बनवा देंगे हाँ जी भाई दूध बतेरा ही देवा और लाइव मिल्किंग करवाओगे भाई जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसके एक हफ्ते बाद लाइव मिल्किंग करवाई जाएगी तो भाई एक बार इस बात ना और पूरी कर लेते हैं जो सिमन भाई के पास तैयार है विराट बुल का उसका के प्राइज रखा है भाई वैसे पाँच सौ रुपये है प्राइज तो बाकी जो भाई ब्रीडिंग करता है और अपना आम पशुपाली किसान आंदोलन चल रहा है इसलिए मैं किसी को नाराज ओके नहीं जाने दूंगा और एक बात और बताई है भाई अजय भाई ने विराट बुल का जो सीमन है वो भाई के पास ही अवेलेबल है ओरिजिनल सीमन मेरे पास अवेलेबल है तो भाई सीमन आपने पहले भी सेल है कर रिजल्ट रहा है सीमन का सीमन का रिजल्ट ये है जो मेरे को सब की भैंसों का तो पता नहीं कितने दूध की थी बाकी सत्रह अठारह उन्नीस बीस बाईस ये रिजल्ट आए हैं तो कई तकरीबन लग ये क्वालिटी हो रहा है भाई तकरीबन तक रिजल्ट ये रहा है भाई खार्की, ये खारकी का रिजल्ट आया है जी ये अच्छा जी हां अच्छा भाई एक चीज और हो रहा है किसे किसे बोल के सिममन में ये क्वालिटी हो रहा है कि 99% परसेंट फीमेल का फो है कटिया दे है ईसीबी इस को इसमें ये क्वालिटी बहुत ही ज्यादा है इसकी मेरे को ज्यादा तो मैं इतना पर लिखा नहीं हूं बाकी इतनी वो मेरे को रिजल्ट आया है कि ये तो नब्बे तो है है। जी। हाँ, जी। हाँ जी सर बिल्कुल आठ तो साल हो गए अपने पास विराट बोलना है आ, तो एक चीज और पूछना चाहूंगा आ, जी। सेल करने का कोई मन है या नहीं है भाई ना बिल्कुल भी नहीं जी मैं इसको मीडिया वाले और कर रहे थे दस करोड़ इक्कीस करोड़ और हैदराबाद वाले भी आ, आ रहे थे बिल्कुल म, पैसे वाला मुंह से बोल मैंने बिल्कुल बोल दिया उनको माँ जी इसका कोई मोल नहीं है ये अनमोल है।, है ये अनमोल है ये जी कभी कभी किसी किसी को मिलता है ये जिंदगी में ऐसी चीज एक ही बार मिलती है हाँ, सही बात है भाई हर रोज रोज आविष्कार नहीं होते हर रोज, रोज चमत्कार नहीं होते हाँ, तब भाई भाई के लिए तो चमत्कार है विराट बोले जो इतना नाम कमा अठारह बार का चैंपियन है भाई अपनी घर की ब्रीड है भाई जी ये बिल्कुल मेरा बनाया हुआ है इस पे एक बात बताऊं कि मैं विराट को देख के एक बात कहता हूँ कि सूरत तुम्हारी देखी तो सोया ने रात पर पलकों से लिखता रहा नाम तुम्हारा चांद पर भाई 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 अजय अजय हमारे हमारे शायर 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 भी हैं हैं था दिलवाले आज बहुत बढ़िया शायरी सुनाई मतलब ऐसे सत्ताईस पर रहती थी अच्छा सत्ताइस अठाईस प्लस का कर नॉर्मल वो हमने वो तोड़नी नहीं थी ना उस ब्रीडिंग लेनी थी अच्छा तो इसलिए हम नॉर्मल रखते थे उसको हम हमारे पशुओं को न्यूट्री डाइट खिलाते हैं उससे हमारे पशु अच्छा दूध देते हैं आप भी अपने पशुओं को न्यूट्री डाइट खिलाए और अच्छा दूध पाए